हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेला फ्राई की रेसिपी देखने वाले हैं एकदम इजी मेथड में। ड्राई रेसिपी है ये, आप इसे एज अ साइड डिश या चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पैन को गर्म कर लें, इसमें 2 बड़े चम्मच पीनट्स ऐड कर देंगे यानी सेंगदाना, और 1 बड़ा चम्मच नारियल घिसा हुआ, सूखा नारियल है ये, ये भी ऐड कर दें। एक चम्मच के करीब जीरा ऐड कर दें और इन्हें अच्छे से लो फ्लेम पे भून लेना है जब तक कि ये ब्राउनिश ना हो जाए। इस तरह से अब इसे ठंडा करने रख दें। अब इसे मिक्सी जार में ले लें, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च या आपके स्वाद के अनुसार, ये गरम मसाला है 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, ये करीब 1 छोटा चम्मच शक्कर और 1 बड़ा चम्मच आमचूर, इनका ये सब पाउडर बना के लेना है। करेले के सीड्स निकाल के इस तरह से काट करके हमें इन्हें नमक के पानी में कम से कम 20 से 30 मिनट तक भिगो के रखना है, तो उसका कड़वापन जो है वो कम हो जाता है। अब इस मसाले में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि फिल करने में आसानी हो। ज़्यादा लिक्विडी भी ना कर देना, थोड़ा सा, जस्ट अबाउट 2 टीस्पून पानी ऐड किया है। अब इन्हें एक एक करेले में इस तरह से स्टफ कर देंगे इस मसाले को। नमक के पानी में करेले को भिगोने से उसका स्वाद भी अलग हो जाता है, थोड़ा टेस्टी हो जाता है। तो नमक के पानी में भिगोने का प्रोसेस जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना, उससे कड़वाहट भी कम होती है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करना। इसी तरह से सारे पीसेस में हम स्टफिंग भर लेंगे, दोनों तरफ से स्पून की मदद से इस तरह से भर लेना है ताकि वो अंदर तक सेट हो जाए। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दिए और तेल के गर्म होते ही इन्हें हम तेल में फ्राई होने रख देंगे। आज जो है मीडियम टू लो पर ही रखिएगा, तेज़ बिल्कुल नहीं। एक एक करके सारे रख देंगे हम। अब यहाँ इसे ढककर नहीं पकाना है, क्योंकि ढक देंगे तो इनका जो कलर है वो काला काला सा हो जाएगा। तो एकदम पेशेंस से वहीं खड़े रह के आराम आराम से इनको पलटते हुए चारों तरफ से पका लेना है। और क्योंकि हमने इन्हें नमक के पानी में भिगोया था, ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं, तो पकने में बिल्कुल भी देरी नहीं, कच्चे भी नहीं रहती। देखिए इस तरह से कम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने पलट पलट के पकाया है। देखिए कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल आसानी से कट रहा है, अंदर तक पक भी चुका है। बस इसे सर्व कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को।